अरे वाह, ये पिछले 2-2.5 साल में दिस इज द थर्ड इंसिडेंट। इससे पहले 2 हुए थे। मुझे याद है कि जब उद्धव ठाकरे जी का सरकार बना, इससे पहले कुछ हमारे एमएलएस को उठाकर यहाँ हरियाणा में गुड़गांव में कुछ एरिया में रखे गए थे, मगर बाद में वहाँ से निकलकर वो ऑफिस आ गए, सरकार बनाया। सरकार बनने के बाद पिछले 2.5 साल सरकार ठीक से चल रहा है। कल वहाँ इलेक्शन था और यहाँ तक एनसीपी है कि एनसीपी के 2 कैंडिडेट थे और दोनों कैंडिडेट को जो वोटों का कोटा हम लोगों ने दिया था वो पूरी तरह से मिला। एनसीपी का एक भी वोट इधर से उधर नहीं गया, बिल्कुल डिसिप्लिनली हमारे एमएलए ने वोटिंग वहाँ किया। और इससे वो जो कुछ कल का इंसिडेंट था इसमें हम किसी में हम नाराज नहीं है। एक बात सच है कि हमारे फ्रेंड का एक कैंडिडेट वो जीत नहीं सका, वहाँ कुछ वोटों की कमियाँ वहाँ आ गई, मगर ये अन्य पोलिटिकल पार्टी का जो कोटा था और अन्य पोलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी थी उनका कैंडिडेट जिताने के लिए, उसमें कामयाबी नहीं आई। मगर हम वापिस जाने के बाद जरूर हमारे साथियों के साथ बातचीत करेंगे, ऐसे क्यों हुआ और हुआ तो कैसे करेक्ट एक्शन ले सकते हैं, इस पर हम ध्यान देंगे। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे बार बार कह रहे हैं कि उनको सीएम बनाया जाए, इस पर आपकी सहमति है क्या? सरकार संकट में है सर, जिस तरीके से रुक रुक एक मिनट यार, चुप रहो। अरे यार सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र के भीतर संकट दिखाई दे रहा है, अरे एक क्वेश्चन है जो टाइम होगा ना, वो एक सरकार बचा दिया था, क्या इस बार सरकार आप लोग बचा पाएंगे, उम्मीद है आपको? मुझे यहाँ की जो स्थिति है वो देखने के बाद इससे कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, इस पर मेरा पूरा भरोसा है। सर फिर से सवाल करता हूँ, एकनाथ शिंदे बार बार दबाव डाल रहे हैं कि उनको सीएम बनाया जाए, इस पर आपकी सहमति है क्या? भाई ये तो मैं आपसे ही सुनता हूँ, ठीक है। अभी तक उन्होंने हमें या और किसी को कहा है कि मुझे सीएम बनाओ, ये मुझे मालूम नहीं। मगर एक बात है कि वहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है तीनों पार्टी में, इसमें शिवसेना के पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, जबकि सीएम एनसीपी के पास है, और इन्फॉर्मेशन बाकी जो मंत्रालय है इसकी जिम्मेदारी सरकार के कांग्रेस के ऊपर है। जहाँ तक बीजेपी में कुछ बदलाव करना या किसी को वहाँ मौका देना वो उनका इंटरनल इश्यू है, जो शिवसेना की लीडरशिप इस पर जो कुछ तय करेंगे इसके साथ हम रहेंगे। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर वहाँ जो गवर्नमेंट चल रही है इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हमें लगती नहीं। सर लेकिन एकनाथ शिंदे जेपी नड्डा और अमित शाह को भी मिलने वाले हैं आज, कौन किसको मिलने वाला, हम कैसे कहेंगे? सर कल के एमएलसी इलेक्शन में 134 विधायकों का समर्थन बीजेपी को प्राप्त हुआ है, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री है उस पार्टी के सारे वोट भी शिवसेना उम्मीदवार को नहीं मिले हैं, क्या आपको लगता है कि ये क्रॉस वोटिंग सरकार के लिए खतरा है? नहीं, ऐसे जब इलेक्शन होते हैं तो क्रॉस वोटिंग होते हैं, ये कोई आज की बात नहीं। इससे पहले पिछले 50 सालों में कई बार मैंने देखा है कि क्रॉस सोचिंग होता है और फिर सरकार चलती है। सर क्या अलायंस में भी कुछ मतभेद है? सर अलायंस में कुछ मतभेद है क्योंकि ये क्रॉस वोटिंग सामने आ रही है? नहीं, ऐसा है कि अलायंस में बिल्कुल मतभेद नहीं है। क्रॉस वोटिंग तब होते हैं कि समझो मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ और मुझे कुछ 2-4 वोट की कमियाँ है, तो मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट कहीं हो तो इस पर मैं ध्यान देता हूँ और इसमें कुछ न कुछ वोट कैसे मुझे मिलेंगे इस पर मेरा ध्यान होता है। इससे कुछ क्रॉस वोटिंग इधर उधर होती है। एक जैसे आपको एक बार एग्जांपल देता हूँ कि जिस पर आई थिंक 1980 में मेरे पास
खाली 6 MLA से, 6 और 6 MLA के आधार पर हमने 45 वोट लेकर सुदेश सरवाली को राज्यसभा को चुनकर लाया था 6 वोटों। ये हो सकता है जैसे रिश्ते आपके हैं इस पर ये इलेक्शन में कामयाबी मिलती है ये डिफीट होता है। पवार आर यू कॉन्फिडेंट दैट यू हैव अ क्लियर मेजोरिटी दैट आगाडी गवर्नमेंट हैज अ क्लियर मेजोरिटी एंड व्हाट आर द नंबर्स लाइक एनसीपी और कांग्रेस छोड़कर बाहर निकले ऐसी भी शर्तें रखनी है सुनने में आ रहा है कि जो सूरत गए विधायक उन्होंने कहा है कि शिवसेना जो है वो एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़े। ये जो आप कहते हैं मेरे कान पर ये बात आई है उद्धव ठाकरे जी ने उनके पार्टी की मीटिंग बुलाई है और वो आज सुबह बैठने अभी जो आफ्टरनून में बैठने वाले है। बैठने के बाद एक बार इनके इंटरनल डिस्कशन हो जाएगा तो हम इनसे बात करेंगे। आज ये इशू एनसीपी का इंटरनल इशू नहीं है, ये शिवसेना का इंटरनल इशू है। मुंबई आप जा रहे हैं सर? क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात है शाम को सर? कब जाएंगे सर? मुझे अभी मिलते गए 2:30 बजे। मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात है? प्रेसिडेंट कैंडिडेट सिलेक्शन के बारे में आज जो हमने मीटिंग बुलाई है, ये मीटिंग खत्म होने के बाद आई एम गोइंग टू लव इट।